नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत संबंधी आपके सवालों के जवाब। पहला क्वेश्चन है, अगर व्रत पूर्ण होने से पहले मनोकामना पूरी हो जाए तो ध्यापन करें या नहीं। देखिए, व्रत पूर्ण होने पर आपको व्रत का ध्यापन करना चाहिए। ध्यापन के बिना व्रत का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है, ना ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आप चाहे आपकी मनोकामना पहले पूर्ण हो गई हो, चाहे आपकी मनोकामना ना पूर्ण हुई हो, तो आपने जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो आप व्रत का ध्यापन अवश्य करें। सुबह का प्रसाद जो मंदिर में लेकर जाना है उसे भी शाम के प्रसाद की तरह बनाना है? नहीं, आप गुड़, मिश्री, चीनी, पंचमेवा लेकर जा सकते हैं। सुबह के प्रसाद को आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह का प्रसाद खाना भूल जाएं तो क्या व्रत मान्य होगा? जी हाँ, आपका व्रत माना जाएगा। सुबह के प्रसाद का खाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका व्रत मान्य भी जाएगा और आपको व्रत का फल भी पूरा मिलेगा। नारियल को मौली कितनी बार पीटनी है? नारियल पर पहले आप स्वास्थ्य बनाएं, उसके बाद आप नारियल पर 5 बार मौली लपेटें। मौली को आप गांठ ना लगाएं, बीच में ही अटका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नारियल को शिवलिंग के सामने रखें या फिर नारियल को तोड़ें या फिर घर ले आएं? नारियल को ना तो आपने तोड़ना है ना ही आपने घर लाना है, नारियल को मंदिर में शिवलिंग के सामने ही रखना है। सीधे का सामान कब लेकर जाना है? सीधे का सामान आपने 5वें सोमवार को शाम के समय लेकर जाना है। सीधे का सामान आपने ब्राह्मण को ही देना है। अगर ब्राह्मण मंदिर में ना मिले तो किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ब्राह्मण हो तो उसको भी दे सकते हैं, या फिर मंदिर में पुजारी है तो मंदिर में ही शिवलिंग के सामने भी आप सीधे का सामान रख कर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सीधे का सामान उसी दिन देना जरूरी है? अगर आप उसी दिन दे सकते हैं तो अति उत्तम, अगर आप उसी दिन नहीं दे सकते तो आप अगले दिन पारण से पहले सीधे का सामान अवश्य दे दें। अगर आप पारण के दिन भी किसी कारणवश ना दे सकें तो पारण के बाद एक आध दिन में अवश्य दे देना। दान का सामान ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक इच्छा पूरी हो जाए तो दोबारा व्रत कब शुरू करें? एक इच्छा आपकी जब पूरी हो जाए तो आप एक सोमवार को छोड़कर दूसरे सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पशुपति व्रत में सुबह प्रसाद लेकर जाना जरूरी है? सुबह भोग लेकर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप ले जा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं ले जा सकते तो आप श्रद्धा भाव से जल का लोटा शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी व्रत पूजा को संपन्न करें, क्योंकि भगवान शिवजी भोलेनाथ जी तो एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह का प्रसाद घर में लाना और घर में बांटना और व्रतधारी का सुबह के प्रसाद को खाना जरूरी है? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। पूरे प्रसाद को वैसे तो पूरे प्रसाद को घर में लाना और घर में बांटना और व्रतधारी को उस प्रसाद को ग्रहण करना, मैं तो यही कहूँगी, अगर आप व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आप पूरे का पूरा प्रसाद मंदिर से ना लेकर आएं। जो आपने सुबह प्रसाद अर्पित किया है उसे मंदिर में ही छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि मंदिर में प्रसाद भक्त जनों में बांटा जाता है और आपको ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हाँ, आप कुछ हिस्सा तो ला सकते हैं। श्रावण सोमवार व्रत और पशुपति व्रत साथ में रख सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों व्रत साथ में रख सकते हैं। आपको दोनों व्रतों के नियमों का पालन भी करना होगा और तभी तो आपको व्रत का फल मिलेगा। अगला क्वेश्चन, व्रत का ध्यापन 5वें सोमवार को करना है या 6ठे सोमवार को, सुबह या शाम को करना है? व्रत का ध्यापन आपने 5वें सोमवार को शाम के समय करना है। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप अगले सोमवार को भी व्रत का ध्यापन कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार से ज़्यादा व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, 5, 7, 11 व्रत आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बार एक कामना के लिए ही व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, एक बार सिर्फ एक मनोकामना के लिए ही व्रत करें, परमात्मा ने चाहा तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।